अब मैं इसके जो रेडियो है उसको कैसे सेटअप करना है, तो सबसे पहले बता दूँ, ये जो ये पोर्शन है ये आपका जो है ये टच स्क्रीन नहीं रहता है, बाकी जो नीचे के बटन यहाँ पे साइड में आप जो ट्यून ट्रैक देख रहे हैं, वॉल्यूम देख रहे हैं, ये सब आपके टच रहता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ट्रैक को आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आप अगर आपको ऑफ़ करना है तो इसको प्रेस करे रखेंगे तो इस टाइप से ऑफ हो जाता है, इसको ऑन करना है तो वापस आप इसको जो है इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सपोज आपको जो है रेडियो सेटअप नहीं हो रखा है, आपको रेडियो सेटअप करना है, तो ये जो AS वाला जो यहाँ पे है इसको आपको प्रेस करे रखना है, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने ये ऐसे किया, ठीक है, तो ऑटो स्टोर करेगा ये जितने भी आपके चैनल यहाँ पे मिलेंगे, जो भी आप एरिया में होंगे उस टाइम पे जो भी चैनल आपको मिल रहे होंगे उसको ये ऑटो स्टोर करेगा, ठीक है। तो जैसे आप देख लीजिए अभी चल चुका है, ठीक है, तो फर्स्ट वाले में स्टोर कर दिया इसने, अब सेकंड में मैं चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं सेकंड चैनल चल गया, थर्ड चैनल चल गया, फोर्थ चैनल चल गया, फिफ्थ चैनल चल गया, और छः, इसमें टोटल छः चैनल स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। रेडियो में जैसे आप दूसरा चैनल सुनना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं पिछला चैनल या आगे वाला चैनल, ठीक है। उसके बाद अगर आपको वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है तो कम इससे हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा बढ़ानी है तो इससे आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर आपको साइलेंट करना है तो इस टाइप से साइलेंट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको जो है अपना फ़ोन कनेक्ट करना है, ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, तो मीडिया में जाइए, मीडिया मतलब कौन सा मीडिया आप लेना चाहते हैं, रेडियो लेना चाहते हैं, ऑक्स लेना चाहते हैं या फिर पेन ड्राइव लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मीडिया में जाएंगे तो ब्लूटूथ आ गया, ठीक है। अब ब्लूटूथ अपने फ़ोन से जैसे आप ऑन करेंगे तो आपको दिखा देगा कि ये जो गाड़ी है वो दिखा देगा, तो मेरे वाले का जो सिंबल है वो माई कार है, तो उसको कनेक्ट करके आप अपने गाने वाने चला सकते हैं। तो मीडिया में जैसे आए, अगर आपको नॉर्मल रेडियो में जाना है तो यहाँ पे आप रेडियो को दबा देंगे, तो रेडियो को दबाने के बाद आपके नॉर्मल जो चीज़ें चल रही थी वो सब आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम आप ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ से, ये कम ज़्यादा टच स्क्रीन रहता है, ये वाला जो इसका बटन है वो टच स्क्रीन है, तो ठीक है, ये चीज़ें रहती है इसमें।